आप अपने आप को क्या समझते हैं, एक इंश्योरेंस एडवाइजर या फिर एक फाइनेंशियल एडवाइजर? देखिए, आप अपने आप को कुछ भी समझते हो, इंश्योरेंस एडवाइजर समझते हो या फाइनेंशियल एडवाइजर समझते हो, एंड ऑफ द डे आप तो एक बिजनेसमैन है। और बिजनेसमैन का एक टारगेट होता है, और एक इंश्योरेंस एडवाइजर, एक फाइनेंशियल एडवाइजर अपने टारगेट को अचीव करने के लिए क्या करता है? एक इंश्योरेंस एडवाइजर अपने टारगेट को अचीव करने के लिए सबसे पहले तो एक टारगेट डिसाइड कर लेता है, और उसके बाद उस टारगेट को अचीव करने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटी करनी है वो डिसाइड कर लेता है। अब इस टारगेट को अचीव करने के लिए एक इंश्योरेंस एडवाइजर ने जो डिसाइड किया है उसमें एक गड़बड़ है, और वो गड़बड़ ये है कि मैंने जो टारगेट रखा है वो टारगेट मेरे सिवा और किसी को पता ही नहीं है, और ऐसे में मेरा सेल्फ एस्टीम मेरे साथ नहीं देता है, क्योंकि अगर मैंने उस टारगेट को अचीव नहीं किया तो इससे मेरे सेल्फ एस्टीम को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और इसीलिए उस टारगेट को अचीव करने के लिए जो एक्टिविटी मैं कर रहा हूं उसमें मेरी एनर्जी बहुत लो रहती है, और क्योंकि मेरी एनर्जी बहुत लो रहती है इसीलिए आगे चलकर कोई ना कोई दूसरे विचार मेरी एनर्जी को डाइवर्ट कर देते हैं, और क्योंकि अब मेरी एनर्जी डाइवर्ट हो गई इसीलिए मैं उस टारगेट को कभी अचीव ही नहीं कर पाता हूं। एक्चुअली मैं हमें करना क्या चाहिए वो मैं आपको बताता हूं। अगर मैं अपने टारगेट को कई सारे लोगों से डिक्लेयर कर देता हूं, कई सारे लोगों के साथ शेयर कर देता हूं, या मैं अपने टारगेट को डिक्लेयर कर देता हूं, तो ऐसे में होता क्या है कि अगर मैंने उस टारगेट को अचीव नहीं किया तो ये मेरी सेल्फ एस्टीम का सवाल हो जाएगा, इसीलिए अब मेरा सेल्फ एस्टीम भी मेरे साथ में काम करने लगता है, यानी कि मेरी एनर्जी उस टारगेट को अचीव करने में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और इसीलिए कोई दूसरी एक्टिविटी मुझे डाइवर्ट नहीं कर पाती है, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैं अपने टारगेट को अचीव कर लेता हूं। चलिए मैं इससे भी बड़ा आइडिया आपको देता हूं, मुझे अपने टारगेट को नहीं सिर्फ डिक्लेयर करना है बल्कि अगर मैं अपने टारगेट को एक चैलेंज के रूप में लोगों से डिक्लेयर करता हूं तो ऐसे में मेरी एनर्जी बढ़ जाती है, मेरी एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बल्कि मेरा रोम रोम मेरा साथ देने लगता है, और नहीं सिर्फ इतना बल्कि मेरे चाहने वाले भी सबकॉन्शियसली मेरे टारगेट को अचीव करने में मेरी मदद करने लगते हैं, और बड़ी ही आसानी से आप अपने टारगेट को अचीव कर लेते हैं। देखिए, अप्रैल महीने की 25, 26, 27 को 25, 26, 27 तारीख को नेशनल मेगा माइंड शो होने वाला है, और अगर आप आज अपने टारगेट को डिक्लेयर कर देते हैं और अगर आपका टारगेट नेशनल मेगा माइंड शो तक पूरा हो जाता है तो नेशनल मेगा माइंड शो के दिन आपको सम्मानित किया जाएगा। चलिए, सबसे पहले मैं ही अपने टारगेट को, अपने चैलेंज को डिक्लेयर करता हूं, और एक नहीं बल्कि चार चैलेंजेस लेता हूं। मेरा सबसे पहला चैलेंज यह है कि नेशनल मेगा माइंड शो में कम से कम 20 टीओटी एजेंट को मैं लेके आऊंगा। मेरा दूसरा चैलेंज यह है कि नेशनल मेगा माइंड शो तक मैं 6-पैक ऐप बना लूंगा। मेरा तीसरा चैलेंज यह है कि नेशनल मेगा माइंड शो तक कम से कम 100 घंटे मेडिटेशन कर लूंगा, या 100 घंटे ध्यान की अवस्था में रहूंगा। और चौथा चैलेंज, नेशनल मेगा माइंड शो में 150 फिजिकल पार्टिसिपेंट होंगे और 1000 ऑनलाइन पार्टिसिपेंट होंगे, और ऐसे पार्टिसिपेंट जो हमसे डिस्काउंट नहीं मांगेंगे। डिस्काउंट नहीं मांगने वाले 150 फिजिकल पार्टिसिपेंट और 1000 ऑनलाइन पार्टिसिपेंट को ही नेशनल मेगा माइंड शो तक लाने का मेरा चैलेंज है। चलिए, ये तो हुई मेरी बात, अब बारी है आपकी। आप भी अपने टारगेट को डिक्लेयर कीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने नेशनल मेगा माइंड शो के वेब पेज का लिंक रखा है, आप उस वेब पेज में जाकर अपने चैलेंज को लिख दीजिए, और साथ में ये भी लिख दीजिए कि आप
नेशनल मेगा माइंड शो को फिजिकली अटेंड कर रहे हैं या ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं, आप सिर्फ लिख दीजिए, आपको हम जरूर संपर्क करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।